बिहार के मुख्यमंत्री नितिन कुमार द्वारा महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने कड़ी निंदा जताते हुए बुधवार को स्थानीय हुडा पार्क के समक्ष रोष प्रकट किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रोष जताया। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा सुनीता दांगी भी पहुंची। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग की। विधानसभा के अंदर इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग किया है, आप लोगों ने पुतला फूंका है, क्या कहेंगे यार? देखिए, बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, जो अशोभनीय शब्द बोले हैं, उसके लिए मैं घोर निंदा करती हूं। और मैं समस्त मातृशक्ति की तरफ से कहना चाहती हूं कि भारत की सभी माँ बहनों से माफी मांगे और अपने इस पद से इस्तीफा दें। मैम, क्या कहेंगी आप जो इस प्रकार की भाषा जब उन्होंने विधानसभा में कही है, हालांकि कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है, कोर्ट ने मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह की भाषा हमारे ये संस्कारों में नहीं है, ऐसी हमारी संस्कृति नहीं है कि हम इस तरह की भाषा कहीं पर बोलने का और इस तरह की भाषा को यूज हम लोग करें। मैं यही कहना चाहूंगी कि उनको संस्कार हम महिलाएं सिखाने का काम करेंगे। अगर इस तरह की भाषा वो यूज करते हैं तो आने वाले समय में हम उनको अब संस्कार सिखाने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी को जितना हो सके जल्दी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और सभी माँ बहनों से माफी मांगनी चाहिए। पूरे प्रदेश भर में बिल्कुल जी बहुत रोष है महिलाओं के अंदर, राजनीति के चक्कर में और ऐसे लोगों के चक्कर में वो इस तरह की अपने संस्कार भी भूल चुके हैं। और ऐसी राजनीति से अच्छा तो अपने घर बैठ जाएं, क्या जनसेवा करेगा वो आदमी। क्या कहेंगे आप, कैसे आप लोगों ने आज पुतला फूंका है नीतीश कुमार जी का? जो देखिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो विधानसभा में जो महिलाओं को लेकर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी हम समस्त जो महिला मोर्चा है वो निंदा करती है। और आज हमारी महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष सुनीता दांगी जी के नेतृत्व में हमने आज भिवानी में उनका पुतला फूंका है। मैं तो ये कहूंगी इस्तीफा उनको तुरंत प्रभाव से देना चाहिए, हमारी वेट नहीं करनी चाहिए कि हम इस्तीफा मांगे और इस्तीफा दें। ये वो INDI गठबंधन के चेहरे हैं जो आगामी चुनाव में सत्ता लाने की बात करते हैं। ये जो लोग महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो क्या सत्ता लाएंगे और क्या उनकी सत्ता में हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? देखिए, माफी मांगने की बात नहीं कर रहे, माफी उन्होंने बेशक मांग ली होगी, कोर्ट जो है हमारा कानून है वो अच्छी कार्रवाई करेगा, हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन मैं तो उनके इस्तीफे की मांग कर रही हूँ। हम जो समस्त महिला मोर्चा है उनके इस्तीफे की तुरंत प्रभाव से मांग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, इस्तीफा देंगे वो? देना चाहिए, देंगे नहीं, देना चाहिए उनको इस्तीफा। अगर वो सभ्य समाज को बनाने की बातें करते हैं, जो आपने देखा होगा INDI जो गठबंधन है वो कितनी महिलाओं की सुरक्षा की बातें करता है, क्या ये महिला सुरक्षा है? क्या वो ये सब लेकर आएंगे? अभी तो वो सत्ता में अगर आ जाते हैं तो वो क्या हाल करेंगे महिलाओं का? तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए।